इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड के बारे में। वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड में इन्वेस्ट किया था, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था वर्ल्ड के थ्रू, और अब वो अपना पैसा नहीं निकाल सकता क्योंकि वर्ल्ड ने विड्रॉल पे स्टे लगा के रखा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने पैसा लगा के रखा है। एक तो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, क्रैश हो चुका है, लगभग 80% करेक्ट और क्रैश हो चुका है। सारे का पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है, जो भी ऊपर में बाई किए हैं सभी लॉसेज में है, और एक आपका जो पैसा बचा भी हुआ है वो आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा इशू है, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एज अ कंज्यूमर, क्योंकि मेरा भी पैसा फंसा हुआ है वर्ल्ड में। मैंने भी इन्वेस्ट किया था क्रिप्टो में वर्ल्ड के थ्रू, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्यों ऐसा हुआ है और कैसे हम ऐसे चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड में अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो वर्ल्ड को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बिग क्रिएटर्स ने इसको प्रमोट किया था, और मैं जो ट्रैप हुआ हूँ मैं भी वैसे ही हुआ हूँ। क्या आप अगर ऐसे ही ट्रैप हुए हैं, किसी बड़े क्रिएटर को देख के आपने वर्ल्ड के थ्रू इन्वेस्ट किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादातर मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मुझे भी लगा कि हाँ ऑथेंटिक ही होगा, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्रिएटर्स ने प्रमोट किया था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो क्रिएटर है उन्होंने कुछ फ्रॉड किया है, उन्होंने कोई स्कैम किया है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर प्रमोट किया जाता है तो क्रिएटर को उसके लिए पैसे मिलते हैं, और क्रिएटर मेक श्योर करते हैं कि हाँ वो चीज़ ऑथेंटिक हो। बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं, कोई चीज़ें ऐसा निकल जाता है जैसे वर्ल्ड हो गया, हो सके कि मैं भी कल जाकर कुछ प्रमोट करूँ और ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसे आप बच कैसे सकते हैं? तो आपको बचना है, अगर किसी भी क्रिएटर को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अगर आप फॉलो करते हैं, उनकी बातों को आंख बंद करके अगर भरोसा करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। वो चाहे कितने भी बड़े क्रिएटर हो, चाहे कितने भी अच्छे क्रिएटर हो, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि अगर जिन्होंने भी प्रमोट किया है वर्ल्ड को, वो भी ये नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उनका भी हो सकता है कि पैसा लगा हुआ होगा वर्ल्ड में, और वो भी अभी स्टे पे है, उनका भी पैसा होल्ड पे है। ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा सिर्फ नहीं मिल रहा है और उनको उनका पैसा मिल जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एज अ कंज्यूमर जो हम देख रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा ये काम बनता है कि अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं, कोई चीज़ बताया जा रहा है, किसी चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसमें जो क्रिएटर है उनका फ़ायदा होता है क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन कंज्यूमर को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो कंज्यूमर का ये फर्ज बनता है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी ऐप के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपको अपना ड्यू डिलीजेंस जरूर करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका भी पैसा ऐसे फंसा हुआ होगा, या इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है आपके साथ भी। तो कितना भी आपको किसी भी क्रिएटर पर भरोसा है, आँख बंद करके आपको उनके बातों पर भरोसा नहीं करना है। अगर मैं भी अगर ऐसा कोई प्रमोट चीज करता हूँ कल होके, तो मेरी बातों को भी, जो मैं बोल रहा हूँगा उस रेडियो में, उसकी बातों को भी आपको भरोसा नहीं करना है। आपको अपना ड्यू डिलीजेंस जरूर करना है, क्योंकि पैसा आपका है, लॉसेस आपको हो रहे हैं, जैसे मुझे लॉसेस हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अभी लॉसेस हो रहे हैं, और आप पैसा भी नहीं निकाल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े बड़े क्रिएटर को फॉलो करते हैं, आँख बंद करके भरोसा करते हैं, और उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत तकलीफ भरा होता है, क्योंकि हार्ड अर्न मनी होता है। वो सोचते हैं इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा बनेगा, लेकिन वो पैसा बनता तो नहीं है, डूब जाता है, और जो बचता है शायद वो पैसा आप निकाल भी नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। किसी भी क्रिएटर को फॉलो कर रहे हैं तो उनको फॉलो कीजिए जो बोल रहे हैं, सभी की बातें सुनिए, लेकिन करिए वही जो आपके लिए सही है। आप अपना डिलीजेंस जरूर कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा फील्ड है ना, क्योंकि इसमें स्कैम का चांसेस, फ्रॉड का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है, और क्रिप्टो में खास करके जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको और भी ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो है वो बैक नहीं करता है, गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट नहीं करता है, गवर्नमेंट के अंदर ये जो क्रिप्टोज है वो नहीं आते हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसके फंडामेंटल्स प्रॉब्लम है। तो जो मेरे पैसे डूबे हैं क्रिप्टो में, वो इतने डूबे हैं जो मुझे जीरो हो जाएगा तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा यही मानना रहा है क्रिप्टो में हमेशा से। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ क्रिप्टो, नॉट अ बिग लवर ऑफ क्रिप्टो, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और हो सकता है कि उनमें से आप भी हो, आपको क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा भरोसा हो, और आपने बहुत बड़ा अपने कैपिटल का पैसा लगाया हो, और आपका पैसा अभी फंस गया है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे लिए तो है कि चलिए डूब, अगर मेरा क्रिप्टो जीरो भी हो जाए तो फर्क ना पड़े, और वो अगर मैं विड्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि आप आगे चल के ये गलतियाँ ना करें, आगे चल के ये गलतियों को ना दोहराए। कोई भी अगर कोई चीज़ को प्रमोट कर रहा है तो उसमें उसका फ़ायदा होता है, जैसे कि मैं
खुद का भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का यहाँ पे बुराई कर रहा हूँ। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी इसको प्रमोट किया था, हो सकता है कि उनका भी पैसा लगा हुआ होगा और वो जानबूझ के ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं होगा, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन कोई नहीं जानता कि कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि पैसा आपका लग रहा है, कोई भी क्रिएटर बता रहा है कोई चीज़, तो आपको उसकी बातों को सुन लीजिए, लेकिन करना आपको है। और जिनका भी पैसा इसमें अभी फंसा हुआ है, अभी क्वेश्चन मार्क है कि पता नहीं पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, विड्रॉल हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईमेल आते रहता है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें वो देते रहते हैं कि जो कोर्ट में हियरिंग चल रहा है या जो भी प्रोसेस से अभी वर्ल्ड गुजर रहा है, वो आपको ईमेल के थ्रू, अगर आप इसमें इन्वेस्टर हैं, आपने इन्वेस्ट किया है वर्ल्ड के थ्रू, तो आपको ईमेल के जरिए बताते रहते हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी क्वेश्चन मार्क है, जो मेरे लिए कंसर्न है, जो भी जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि इन सब चीज़ों में आपको नुकसान होता है। तो ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और आपके आंखें खोलने से रिलेटेड वीडियोस। तो ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद।